जेडीयू से इस्तीफा देंगे उपेंद्र कुशवाहा। जेडीयू का कुशवाहा को संदेश, जहां जाना हो जाएं। मंत्री ना बनाए जाने पर नाराज हुए उपेंद्र। बीजेपी के साथ करीबी बढ़ाने में जुटे जेडीयू नेता। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इन दिनों उनकी ही पार्टी में ही सवाल चल रहे हैं। कुशवाहा बीजेपी खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी और सहयोगी आरजेडी के खिलाफ जमकर बयान दे रहे हैं। एनडीए से आरजेडी के बाहर जाने से पहले जिस तरह से ललन सिंह बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, कुछ वैसे ही जुबान इस समय उपेंद्र कुशवाहा की आरजेडी को लेकर हो गई है। वो इस समय हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। दिल्ली में जब शरद यादव ने अंतिम सांस ली तो उपेंद्र कुशवाहा ने लालू और नीतीश दोनों को एक साथ लपेट लिया। उपेंद्र के गुस्से की वजह साफ है। नीतीश के कहने पर उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय जेडीयू में कर दिया, लेकिन नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान नहीं दिया है। जेडीयू विधानमंडल दल का नेता जरूर बनाया है, लेकिन उपेंद्र के पास ताकत नाम मात्र की भी नहीं है, क्योंकि सभी फैसले नीतीश कुमार लेते हैं। उपेंद्र को उम्मीद थी कि नीतीश अपनी सरकार में उन्हें मंत्री बनाएंगे, लेकिन नीतीश ने ना तो आरजेडी की सरकार बनाते समय उपेंद्र को मंत्री बनाया है और ना ही आगे बनाएंगे, ऐसे संकेत दिए हैं। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि नए मंत्री सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के बनाए जाएंगे, जेडीयू का कोई मंत्री नहीं होगा। कांग्रेस और आरजेडी चाहे तो अपने कोटे का मंत्री पद किसी और को दे सकते हैं। साफ है उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर पीछे छूट गए हैं, जिसे लेकर उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद उनके सियासी भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी उपेंद्र को मंत्री बनाएगी, इस पर भी सवाल है। वैसे पीएम मोदी संकेत दे चुके हैं कि वो भी इसी महीने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेताओं से भी अपने तार जोड़े हैं। उपेंद्र पहले भी मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई थी, उसके बाद से ही उपेंद्र और बीजेपी के संबंध खराब होने लगे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन उपेंद्र 4 सीटें मांग रहे थे। बात नहीं बनी तो कुशवाहा एनडीए से बाहर हो गए थे। बीजेपी के कई नेताओं से अभी भी उनके संबंध है और उनके जरिए ही कुशवाहा बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुशवाहा के सामने विकल्प आरजेडी भी है। 2019 में कुशवाहा महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव से उनके अच्छे संबंध है, लेकिन आजकल जिस तरह से वो आरजेडी नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि वो आरजेडी में जाने का मन नहीं बना रहे हैं। दूसरा, आरजेडी में जाने से भी उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार से लड़कर वो जेडीयू छोड़ रहे हैं और आरजेडी उसी गठबंधन का हिस्सा है जिसमें जेडीयू भी शामिल है, और बिहार में जेडीयू नेता नीतीश कुमार ही सीएम है। ऐसे में आरजेडी भी उपेंद्र को अपनी पार्टी में लेकर नीतीश की नाराजगी नहीं बढ़ाएगी, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के सामने बीजेपी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। तो दूसरी ओर जेडीयू ने भी साफ कर दिया है, कुशवाहा को जहां जाना है जा सकते हैं, जेडीयू उन्हें रोकेगा नहीं। जेडीयू की ओर से तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन तोड़ने के पीछे उपेंद्र कुशवाहा का ही हाथ था। वो लगातार गठबंधन विरोधी बयान दे रहे थे। जेडीयू ने कुशवाहा से साफ कह दिया है कि वो अपने सियासी जीवन को लेकर फैसला ले सकते हैं, पार्टी उनके फैसले का सम्मान करेगी। अगर जेडीयू में रहना है तो पार्टी की नीतियों पर चलना होगा, और पार्टी की नीतियों के खिलाफ अगर उनके कोई विचार हैं तो पार्टी से बाहर जा सकते हैं।